रुआ देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। नमस्कार, मैं ऊर्जा शर्मा और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा है और ये अपील की है कि रविवार को यानी 5 अप्रैल को ठीक 9 बजे 9 मिनट के लिए कोरोना जैसी महामारी से जूझते हुए उससे निपटने के लिए और पूरी एकता दिखाते हुए 9 बजे 9 मिनट के लिए सभी को कैंडल या कोई भी दिया जलाना है और इस कोरोना जैसे अंधकार को मिटाना है। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। उनकी अपील के बाद सभी लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर अब ये बात काफी चर्चा का विषय बन गई है, काफी ट्रेंड भी हो गई है। इस बात को लेकर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और इसी बीच राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हो गई। फिर से उपेंद्र कुशवाहा रालोसपा के मुखिया है बिहार में, उन्होंने ट्वीट करते हुए पीएम मोदी के इन बातों को बकवास करार दिया है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कोरोना संकट की वर्तमान विकट परिस्थिति में आज देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन पूर्ण रूप से बकवास है। उन्हें ऐसी अनर्गल बात करने के बजाय चिकित्सा कर्मियों की सुविधा, देश में जांच के केंद्र, अस्पतालों में इमरजेंसी सुविधाएं आदि बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो भी अपील की है वो अनर्गल है। अभी वक्त है देश के अंदर इमरजेंसी सेवाएं मुहैया कराने का, अभी वक्त है कि जो भी बेसिक इक्विपमेंट है कोरोना से लड़ने के लिए उन्हें अवेलेबल कराने का, इन सब बकवास चीजों से अभी दूर रहना चाहिए। आपको बता दें कि कल पीएम मोदी सभी राज्यों के सीएम के साथ उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की थी, जिसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने उनसे अपील की थी, उनसे मांग की थी कि बिहार को 5 लाख पीपीटी की आवश्यकता है। आपको बता दें कि कल पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और जिसमें कोरोना को लेकर चर्चाएं की गई थी। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पीएम के सामने यह मांग रखी थी कि उन्हें बेसिक इक्विपमेंट और जितने दवा हैं कोरोना से लड़ने के लिए वो सारी मुहैया कराई जाए। उन्होंने कही कि हमने केंद्र के सामने जो मांग रखी थी उसके मात्र 10% भी अभी तक मिला नहीं है, यानी केंद्र के सामने उन्होंने 5 लाख इक्विपमेंट रखी थी, मेडिकल इक्विपमेंट की मांग रखी थी, लेकिन अभी तक 4000 तक ही मुहैया कराई गई है केंद्र के द्वारा। तो ये भी एक बड़ी बात होती है और इसकी मांग रखी थी बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम के सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। अब इसको लेकर रालोसपा के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने भी एक वीडियो जारी किया है। दरअसल माधव आनंद जी का कहना है कि जिस तरह से बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गुहार लगाई थी केंद्र के सामने, उसका 10% भी पूरा नहीं किया जा सकता है। उनकी मांग का 10% भी अभी तक पीएम के द्वारा पूरा नहीं किया गया है। ये कोरोना जैसी महामारी सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व आज इसका संकट झेल रहा है, पूरा देश इसका संकट झेल रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों सरकार को एक होना पड़ेगा, दोनों सरकार को मिलकर इससे लड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से अगर जीतना है तो निश्चित रूप से किसी एक सरकार के बस की बात नहीं है। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकारें, सभी को मिलकर काम करना होगा, तभी कोरोना जैसे महामारी से हम लोगों को जैसे मुक्ति मिल पाएगी। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी बातों को जो रखने का काम किया, ऐसा लगता है कि जिस रूप में केंद्र की सरकार को
प्रदेश की सरकार को मदद करनी चाहिए थी इस संक्रमण को तोड़ने के लिए, उस रूप में मदद नहीं मिल पाई है। अब अनुमान लगाइए 5 लाख किट की आवश्यकता है, वहां 4,000 किट केंद्र सरकार ने भेजने का काम किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि बिहार की जनता के लिए थोड़ा सा सोचिए। मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाह रहा हूं, आप मुझे पता है आपके लिए सारे देश जितने भी जनता जनार्दन है सब एक जैसा है, लेकिन बिहार अति पिछड़ा प्रदेश है, बिहार को एक जरूरत अधिक आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि आप जो भी प्रदेश की सरकार मांग कर रही है उस मांग को पूरा करने का काम करेंगे, जिससे कोरोना जैसे संक्रमण को बिहार में रोका जा सके। तो आपने सुना रालोसपा के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने किस तरह से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो गुहार लगाई गई थी उसका मात्र 10% भी अभी तक मिला नहीं है, जबकि सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस महामारी से किस तरह निपटती है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि क्या बिहार को बेसिक इक्विपमेंट मिलते हैं, क्या केंद्र से बिहार को मदद मिलती है, या फिर सिर्फ ऐसे हवाबाजी में बातें की जाएगी और जो हकीकत है वो कुछ और देखने को मिलेगा। बाकी के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए भारत लाइव। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।